हेलो एवरीवन यह एक एक्सपोनेंट का बहुत ही अच्छा सम है ए टू दावर एन प्लस वन प्लस बी टू दावर एन प्लस पावर एन प्लस बी टू दावर एन इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू इस तरह के सम में सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा और यहाँ देखें जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टू इन टू ए टू दावर एन प्लस वन प्लस बी टू दावर एन प्लस वन इक्वल टू ए टू दि पावर बी टू दावर इंटू ए प्लस बी देखिए इधर हो गया है और टू इंटू ए टू दावर इंटू एवर एन प्लस वन को ए टू दी पावर लिख सकते हैं कारण ए टू दावर एम प्लस टू ए टू दावर एम इंटू ए टू दी पावर यन होता है और इसी फार्मूले का यूज यहाँ पर किए हैं प्लस बी टू दी पावर यन इंटू बी इक्वल टू यहाँ देखे ए टू दी पावर यन इंटू ए प्लस का साइन है प्लस दिए ए टू दी पावर एन इंटू बी प्लस बी टू दी पावर यन इंटू ए plus b to the power n into b or 2 into a to the power n into a equal to 2a into a to the power n plus 2 into b to the power n into b 2b into b to the power n equal to a into a to the power n plus b into a to the power n plus a into b to the power n प्लस बी इंटू बी टू पावर इन अब राइट हैंड के सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तब ये हो जाएगा और टू ए इंटू ए टू पावर एन प्लस टू बी इंटू बी टू पावर इन माइनस ए इंटू ए टू पावर एन माइनस बी इंटू ए टू पावर एन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ए इंटू बी टू दावर एन ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा बी इंटू बी टू दावर एन इक्वल टू जीरो और यहां देखे टू ए इंटू ए टू दावर माइनस ए इंटू ए टू दावर एन बचा क्या ए इंटू ए टू प्लस यू बी इंटू बी टू दावर एन माइनस बी इंटू बी टू दावर एन यहां भी बचा प्लस बी इंटू बी टू पावर एन माइनस अब जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख देंगे बी इंटू ए टू पावर एन माइनस ए इंटू बी टू पावर एन ये वाला टर्म इक्वल टू जीरो और सिमिलर टर्म को एक साथ कर लेते हैं जिससे कि कॉमन लेने में आसानी हो यहां देखें ए इंटू ए टू पावर एन टू दी पावर एन वाला टर्म और कौन है माइनस बी इंटू ए टू पावर एन प्लस बी इंटू बी टू एन माइनस ए इंटू बी टू इक्वल टू जीरो पावर एन दोनों में कॉमन है तब हम लिखेंगे ए टू पावर एन यहां बचा ए माइनस बी प्लस यहां देखिए दोनों में बी टू पावर एन कॉमन है

ए माइनस बी हो जाएगा कार मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है इक्वल टू जीरो और ए टू दावर यू ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी टू दावर यू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो अब देखिये दोनों टर्म में ए माइनस बी कॉमन है तब हम यहाँ पर ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं जब ए माइनस बी कॉमन लेंगे तब इधर ए टू दावर एन माइनस बी टू दावर एन बचा इक्वल टू जीरो दैट इज आइर ए माइनस बी इक्वल टू जीरो और ए टू दावर एन माइनस बी टू दावर एन इक्वल टू जीरो वेन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो दियर फोर ए इक्वल टू बी विच इज नॉट पॉसिबल

टू दी पावर एन इक्वल टू वन हम सभी जानते हैं कि एनी थिंग टू पावर जीरो टू वन होता है तो यहाँ वन के बदले हम लिख सकते हैं ए बाई बी टू पावर जीरो पे लिखेंगे ए बाई बी टू पावर एन इक्वल टू ए बाई बी टू पावर जीरो यहां देखिए बेस सेम है इसलिए पावर भी सेम होगा यानी यन इक्वल टू जीरो और यही इसका सोल्यूशन होगा लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू